दोस्तों आज मैं आपको पेटीएम ऐप पर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं पेटीएम ऐप में लॉगिन करने में, सभी का सोल्यूशन जो इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में अलग अलग रीजन की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है इसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने एंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है जो कि ऑटोमेटिक पेटीएम करता है। तो पहला दोस्तों प्रॉब्लम यह रहता है, सिम कार्ड प्रेजेंट इन दिस डिवाइस डज नॉट मैच, यानी कि यह जो मोबाइल नंबर है, यह जो सिम है आपकी इस फ़ोन में नहीं लगा है। तो इसका प्रॉब्लम मतलब यही है कि यह जो सिम कार्ड है वह इस फ़ोन में नहीं लगा है, आपको पहले लगाना पड़ेगा तभी जो है यह वेरीफाई करेगा पेटीएम। यह जो मोबाइल नंबर है मेरा इस फ़ोन में लगा है, जो कि यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है पेटीएम की तरफ से कि आपका मोबाइल नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर के थ्रू कोई पेटीएम ऐप में लॉगिन कर रहा है। इसका सोल्यूशन यही है कि यह जो सिम है आपके इस फ़ोन में लगा होना चाहिए। तो अब जो है मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यह जो नंबर था इस फ़ोन में लगा है, इस सिम में लगा है, इसमें जो है लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ यह प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वही जो है मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा मोबाइल नंबर मैंने चेंज किया है। तो सेम मोबाइल नंबर एंटर करके आपको दिखाता हूँ एंड आप देखेंगे यह प्रॉब्लम जो है जो सिम कार्ड वाला प्रॉब्लम आ रहा था यह नहीं आएगा, क्योंकि यह जो सिम कार्ड है इसी फ़ोन में लगा हुआ है। यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है SMS के थ्रू जो है वेरीफाई हो रहा है, यानी कि दूसरा जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। पहला जो प्रॉब्लम था वह सोल्व हो चुका है। तो उसका सोल्यूशन पहला का यही था कि वह जो मोबाइल नंबर है जो आप लॉगिन कर रहे हैं वो आपके जो है इसी फोन में लगा होना चाहिए जिस फोन में आप लॉगिन कर रहे हैं। तो अब जो है दूसरा प्रॉब्लम आने वाला है, हम इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम यह है फेल टू सेंड SMS का, यानी कि जो है पेटीएम पर आप लॉगिन करते हैं तो यह SMS सेंड करके आपके मोबाइल नंबर पर जो है वेरीफाई करता है। तो इसका प्रॉब्लम दोस्तों यह है, इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल नंबर पर जो है रिचार्ज नहीं है, जिसके वजह से जो है पेटीएम आपके मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन यह है कि आपके मोबाइल नंबर पर जो है रिचार्ज होना चाहिए, अगर रिचार्ज नहीं है तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। हालाँकि दूसरा तरीका भी है, कंटिन्यू विथ OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा जिसके थ्रू आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर एक मोबाइल नंबर मैं एंटर करता हूं जिसमें रिचार्ज है, तो दूसरा मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया है एंड इसमें रिचार्ज है। आप देखेंगे इसमें जो वेरीफाई का जो प्रॉब्लम था वह नहीं आएगा, ऑटोमेटिक जो यहाँ पर पेटीएम वेरीफाई कर लेता है अगर आपके सिम में जो है रिचार्ज है और वह जो सिम है आपकी इसी फ़ोन में लगा है जिसमें आप लॉगिन कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है यहाँ पर OTP वगैरह ऑटोमेटिक पेटीएम वेरीफाई कर लेता है, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर हो चुका है क्योंकि इस मोबाइल नंबर में रिचार्ज था और यह सिम इसी फ़ोन में लगा था। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रॉब्लम यह आता है कि जब मोबाइल नंबर जो है हमारा वेरीफाई नहीं होता है तो यह एक ऑप्शन देता है कंटिन्यू विथ OTP का, हम इस पर क्लिक करते हैं तो प्रॉब्लम ये रहता है यहाँ पर यह कि OTP ये भेजता है हमारे मोबाइल नंबर पर, लेकिन यहाँ पर यह इंटर नहीं होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपके सिम में जो है रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है फिर भी जो है अगर आपका जो है जियो का या वोडाफोन आइडिया या जो है BSNL का है तो उसमें जो OTP का जो सर्विस है वह रहता है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो पेटीएम एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है इसे आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पर पेटीएम ऐप का जो है ओल्ड वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जो है आप इंस्टॉल करेंगे। उसमें सिर्फ खास बात यह है कि वहाँ पर जो है मैन्युअली OTP इंटर करने का जो ऑप्शन आता है अगर आपके सिम में जो है रिचार्ज नहीं है फिर भी जो है OTP का जो है सर्विस आता है, जैसे कि जियो का है या जो है BSNL का है या VI का सिम है, उसमें जो है रिचार्ज नहीं है फिर भी OTP जो है भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है मैन्युअली इंटर करके आप OTP अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेम जो है वही मोबाइल नंबर इंटर किया है
एंड यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर ओटीपी जो है इसी मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। और यहाँ पर जो है मैन्युअली मैंने नहीं एंटर किया, हालांकि ऑटोमेटिक जो यहाँ पर यह ओटीपी ले लिया। तो इसमें सिर्फ खास बात यह है कि इस वर्जन में कि ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई हो जाता है और मैनुअली भी इंटर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है एंड यहाँ पर जो है हम स्किप बटन पर क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोल रहा है, हम बाद में भी लिंक कर सकते हैं। स्किप बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है और वही मोबाइल नंबर है जिसमें रिचार्ज ख़त्म हो चुका था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों खास बात यह रहता है सिर्फ कि अगर हमारे सिम में रिचार्ज नहीं है और ओटीपी आता है फिर भी जो है लॉगिन हो जाता है। ध्यान देना है कि आपको जो है प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेना है, लेटेस्ट वर्जन में हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगला जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वही मोबाइल नंबर एंटर किया है तो यह प्रॉब्लम आता है, नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट एक्सीडेड, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 12 AM और एक डेट शो करता है। सो इसका साफ साफ मतलब यह है कि जो अपने लॉगिन करने की प्रयासों की जो संख्या था वह पार हो चुका है। वो एक डेट शो कर रहा है 5 जनवरी, इस डेट को बाद जो है हम ट्राई करेंगे। 5 जनवरी 2023 और 12 AM शो कर रहा है, इसके बाद जो हम ट्राई करेंगे तो मेरा यहाँ पर लॉगिन होगा, क्योंकि जो है मैंने कई बार इसी मोबाइल नंबर को इंटर करके लॉगिन करने के लिए ट्राई किया तभी यह प्रॉब्लम आ रहा है। अगला दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है, नो सिम कार्ड फाउंड इन फोन का। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल में जो है सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद जो है सर्च बार में यहाँ पर आप सर्च करेंगे सिक्योरिटी, तो पहले नंबर पर जो है यह सेटिंग मिलेगा सिक्योरिटी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर यह पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा विड्रॉल आप कंसेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह जो सेटिंग है सिंपल सा आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर आई एग्री, एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से जो है आप लॉगिन करेंगे पेटीएम ऐप में। तो यह जो प्रॉब्लम आ रहा था यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पेटीएम पर जितने भी प्रॉब्लम आते हैं लॉगिन करने में सभी का जो है सोल्यूशन मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जितने भी प्रॉब्लम आता है पेटीएम पर उनका सोल्यूशन जो है आप जान गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।